शहर में अभी जनवरी से ही जल संकट गहराने लगा है। लगातार पानी नहीं मिलने के चलते वार्डवासियों का गुस्सा फूटने लगा है। वहीं पानी को लेकर वार्डवासियों में आपस में भी तनाव होने लगा है। ऐसा ही कुछ नजारा छिंदवाड़ा के वार्ड क्रमांक 6 एवं 8 में देखा गया, जहां पिछले 4-5 दिनों में निगम द्वारा जल आपूर्ति नहीं की गई। निगम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत टैंकरों से पानी तो भिजवाया जा रहा है, लेकिन लोगों की संख्या अधिक होने से पानी पर्याप्त मात्रा में उन लोगों को नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते लोगों के बर्तन खाली पड़े हुए हैं। वहीं पानी न मिलने से वार्डवासियों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की, जहां स्कूली बच्चों के हाथों में स्कूली बैग होना चाहिए, वहीं बैग की बजाय पानी के बर्तन होते हैं। पानी नहीं मिलने से दूर क्षेत्र से पानी लाने को है यहां के लोग मजबूर। निगम के पास शहर के लिए पहले से ही 47 टैंकर थे, जो कि पूरे न होते हुए अब निगम ने 20 टैंकरों को और किराए से लिया है। जब इस मामले में सहायक आयुक्त निगम RS बाथम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डैम में पानी की मोटर खराब हो जाने के चलते शहर में पानी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं पानी की मोटर को तत्काल सुधार कर जल को नियमित शहरवासियों को दिया जाएगा। रोड भी खाली हो जा रहा है, अंदर गौर नगर में पानी नहीं मिल रहा है। नल भी कल आया 10-15 मिनट के लिए और पानी नहीं मिल पाया लोगों को। साला इधर तो पानी नहीं मिला लोगों को, उधर चल जा रहा है, हमको तो मिला ही नहीं पानी। पर 4 दिन से लोगों के बर्तन है पूरे पड़े हुए, सूख खाली। अब तो फिर भी बोल रहे हैं कि दोनों वार्ड में एक टैंकर आ रहा है। लाओ ये मीडिया वालों का फोन नंबर ले। नल आता है बस थोड़ी सी देर के लिए खोलते हैं, थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है। आज कम से कम 15 दिन हो गए हम लोगों को कहने पानी नहीं है, और टैंकर आ रहा है, उमा दीदी के कहने आ रहा है, उधर आ रहा है, महल्ले में अपने बांट रही है, इधर नहीं आ रहा।